मेरा नाम मुकेश बोरा है, मैं वार्ड नंबर 9 में बीएलओ हूँ। हम लोग आज एसडीएम कार्यालय पहुँचे हैं पिछले 2 महीने से, जहाँ आप हम लोग जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते पूरे राजस्थान और अन्य जगह भी बीएलओ शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक योद्धा नहीं है, ये एक दुर्भाग्य है। लेकिन आज हमारी समस्या को दूसरी है, हम लोग होम क्वारंटाइन का काम पिछले 2 माह से कर रहे हैं, सब लोग फील्ड में कर रहे हैं, भयंकर गर्मी है, भीषण गर्मी के अंदर। लेकिन उसके बाद विभिन्न विभागों की ओर से नए नए आदेश जारी होते हैं हर बार, कि भी ये लोग सर्वे करेगा, कभी कभी राशन बांटेगा, कभी खाद्यान्न सामग्री के साथ, कभी नर्सेज के साथ। लेकिन इस प्रकार के कार्यों के चलते हम लोग मूल कार्य से बहुत परेशान हो रहे हैं। आज हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को और उनको हमारी मांग रखी कि जो शिक्षक बीएलओ बने हुए हैं या अन्य कार्मिक जो बीएलओ है, उनकी समस्याओं को सुना जाए और हम लोगों को अन्य जो काम दिए जा रहे हैं खाद्यान्न के या सर्वे के या राशन से संबंधित, इससे बहुत परेशानी बढ़ रही है। आज ये आप सभी शहर के बीएलओ और कितने जने सहे हैं? शहर के अंदर जितने 55 वार्ड है उसके अंदर अधिक बूथ भी है, डबल कहीं ज़्यादा दो बूथ भी है, सभी बीएलओ इकट्ठे हुए, एक साथ इकट्ठे हुए यहाँ, और हमने एसडीएम साहब से बात की है और सब लोगों ने एक राय होकर एक बात रखी कि हम लोगों को होम क्वारंटाइन का काम दिया जाए। जो काम हम लोग बेहतरी से कर रहे हैं, बाड़मेर के अंदर इतने सारे जो बाहर से प्रवासी आए हैं, उन सब लोगों को हम लोगों ने होम क्वारंटाइन किया और मुस्तैदी से किया है। जब भी जरूरत पड़ी है, दोपहर धूप में हो, रात 12 बजे हो, हम लोग हर वक्त उनके घर पहुँचते हैं और उनको होम क्वारंटाइन करते हैं। भी हमारी सुनवाई का मामला है, वो कोई सुनने को नहीं। हमने व्हाट्सएप पर भी कई बार उनसे बात की, लेकिन आज हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया है कि हम सुनवाई करेंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है, हम लोग सब बीएलओ जो साथ में हैं, एक ही है कि हम लोगों को अन्य प्रकार के जो सर्वे हैं या खाद्यान्न बांटने का काम है या किसी और प्रकार का है, वो अन्य लोगों को या अन्य कर्मचारियों को दिया जाए और हम लोगों को उससे मुक्त रखा जाए।